एक शादी की पुस्तक गुलिस्तां, दूसरा अध्याय साधु की नीति, 17वीं कहानी। न वा सुतर वा सवारम, न चो उस्तर जेर वारम, न खुदा बंदे प्रयत, न गुलामे शहर यारम, गमे मौजूदा परेशानी मादुम नदारम, नफ्से मिजनम आसुदह ओ अम्रे मिकुजारम। यानी न तो मैं घोड़े पर सवार हूँ, न ऊंट की तरह बहुत से लदा हुआ हूँ, न किसी का मालिक हूँ, न किसी का सेवक। मैं अगले पिछले झगड़ों को छोड़कर सुखपूर्वक सांस लेता हूँ और मौज में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। एक पैदल यात्री नंगे सिर और नंगे पांव कूपे से आकर मक्के जाने वाले यात्रियों के साथ हो लिया। वह बड़ी खुशी से राह चलता और कहता, न तो मैं ऊंट पर सवार हूँ और न खच्चर की तरह बोझा ही लादे हुए हूँ। मैं न तो किसी का मालिक हूँ और न किसी बादशाह का गुलाम हूँ। न मुझे बहुत से सरोकार है, न वर्तमान से। मैं स्वच्छंदता पूर्वक सांस लेता हूँ और सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ। ऊंट पर चढ़े हुए एक मनुष्य ने उससे कहा, ए फकीर, तू कहाँ जा रहा है? जा, लौट जा, नहीं तो कष्ट के मारे मर जाएगा। फकीर ने उस सवार की बात पर ध्यान न दिया और चलता चलता जंगल में दाखिल हो गया। जब हम लोग नखलाए मोहम्मद नामक स्थान पर पहुंचे तो उस धनी के दिन पूरे हो गए और वह मर गया। फकीर उस मरने वाले के तकिए के पास बैठकर कहने लगा, मैं कष्ट सहकर भी यहाँ तक जीता जागता चला आया और तुम सामने पर सवार रह कर भी मर गए। एक मनुष्य किसी बीमार की बगल में रात भर रोया और सवेरे मर गया, लेकिन बीमार भला चंगा हो गया। ए मित्र, अनेक तेज घोड़े गिर कर मर गए, किंतु लंगड़ा गधा मंजिले मकसूद तक जीता हुआ पहुंच गया। अनेक बार ऐसा हुआ है कि हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोग काल के गाल में समा गए और घायल लोग अच्छे हो गए। कहानी से शिक्षा। सारांश यह है कि जब मनुष्य के दिन पूरे हो जाते हैं तब वह मरता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कष्ट सहने वाले दुबले पतले और रोगग्रस्त लोग तो पहले मर जाएं और सुख चैन से जीवन यापन करने वाले मोटे ताजे तंदुरुस्त लोग बहुत दिन तक जिए और पीछे मरे। मृत्यु मोटे ताजे और दुबले पतले एवं रोगी निरोगी को नहीं देखती, जिसका समय पूरा हुआ देखती है उसे ही अपने मुंह में रख जाती है। कहानी समाप्त।